दर्शक मित्रों, हिंद पी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान अभी चालू है। मतदान लोकतंत्र का वो पर्व है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार है। अधिकार के साथ साथ मतदान करना हमारा कर्तव्य भी है। गुजरात के 89 सीट के ऊपर 89 सीटों के ऊपर अभी मतदान जारी है। मतदान की परसेंटेज जो हमेशा होती है उससे थोड़ी कम आज दिख रही है। इस बारे में विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ में आज आपके साथ हमारे साथ श्री सज्जन जी महर्षि। आप सूरत के अंदर अग्रणी सामाजिक नेतृत्व रखने वाले व्यक्ति हैं। आप का सामाजिक योगदान शब्दों में वर्णित हो ऐसा नहीं है। आप विविध सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से समाज के लिए, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद टीवी के इस प्रोग्राम में। मैं आपसे चुनाव के बारे में जानना चाहूंगा कि आज का चुनाव और जो पीछे चुनाव होते थे विधानसभा के, क्योंकि कई वर्षों से आप चुनाव का जो कन्वर्ज जिस प्रकार से करता है कार्य, उस प्रकार से कर रहे हैं। आप इंचार्ज रह चुके हैं, आप मीडिया के इंचार्ज रह चुके हैं, तो आपने आप क्या जो अंतर क्या देख रहे हैं पिछले चुनाव में तथा आज जो चुनाव हो रहा है उसमें, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। ललित जी, पहले तो मैं आपका खूब खूब धन्यवाद, आज हिंद टीवी का खूब खूब अभिनंदन जिन्होंने आज हमारे को एक सामाजिक दृष्टि से आपने बुलाया। चुनाव हमने विधानसभा के इस 84 विधानसभा हो या लिंबायत विधानसभा हो, जब ये लोकतंत्र का पर्व का त्यौहार आता है तो इसमें हमेशा हमारी एक मतदाता को जागृत करने की और संगठन को जोड़ने, ये हमारी स्वाभिमान में ऐसा है। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। कारण कि आज के जो युवा बच्चे हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा युवा मतदान कर रहे हैं, तो सभी युवा मतदाता जागरूक है। पहले चुनाव में प्रचार प्रसार, झंडे लगाना, तरह तरह की रैलियां, आजकल खर्चा सीमित कर दिया है। जो भी अपने विधायक उम्मीदवार हैं उनका खर्चा भी सीमित मात्र है कि आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में इतना खर्चा करना है। तो आज जो वोटर्स है सब जागरूक मतदाता है, और जो सामाजिक धार्मिक सोसाइटी के अग्रणी रहते हैं उनको चुनाव में जो एक त्यौहार अपने जैसे दीपावली होली का उत्सव आता है, उस प्रकार उनके अंदर एक भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना जागृत होती है। वो सामने से चला चला कर जो 65 से 70 साल के अपने बुजुर्ग हैं उनको कोई रिक्शे की व्यवस्था करके पोलिंग स्थल लेके जा रहा है, कोई बाहर जो वोटर गए हैं उनको बुला रहा है। तो अभी समाज में मतलब कौन पार्टी कैसा कार्य कर रही है, तो अभी मतदाता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सभी मतदाता अपने आप में समझे हुए हैं और जो भारत को, राष्ट्र को जो मजबूत कर रहे हैं उनको वो मतदान कर रहे हैं। पहले घर घर जाके समझाना पड़ता था, एक एरिया का एक मुखिया होता था, उसको पहुंच के वोट लोग देते थे, लेकिन आजकल वो समय नहीं देखा जा रहा है। कल जो वोटर्स हैं वो खुद अपने आप में जागरूक है, और खुद शाम चलकर मैं सुबह से देख रहा हूँ, मेरे को बूथ की जवाबदारी थी तो सुबह से बैठे हैं, सामने से अपना कार्ड लेके आते हैं, हमारा कितना नंबर रूम में हमको वोट देने के लिए जाना है, कैसे मतदान पर्ची कहाँ हमको लेनी है, उनके ऑनलाइन जो आईटी सेल है हमारी वो भी बैठ के उनको पूरा तरह से समझ करके एक मतदान जिसकी जागृति हो रही है, अगर वोट के प्रति वो कितना जागृत है, अभी जागृति बढ़ी है। और पहले क्या है कि चुनाव में माहौल अलग प्रकार का रहता था, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, आज वहाँ ये काम हो रहा है, तो इसके लिए पहले मेरा में बहुत कुछ अंतर देखने को मिल रहा है ललित जी, लेकिन मतदाता फिर भी जागरूक है। अभी जो धीमी प्रवृत्ति से जो पीछे की तुलना में जो चल रही है, अभी 2:30 से 5 के बीच में जो भी जागरूक मतदान है सभी मतदान करेंगे, और हम सभी को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़कर सभी अपना मतदान करें और भारत माता की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में अपना अमूल्य वोट देकर देश की शक्ति को बढ़ावे, हमारे प्रधानमंत्री का हाथ को मजबूत करें, यही मेरा निवेदन है सभी नागरिकों से। जैसा कि आपने बताया कि मतदान जो है वो एक त्यौहार के जैसा है, जैसे दीपावली आती है, होली आती है, कई दिन पहले से हम तैयारियां
चालू कर देते हैं, दीपावली के समय में घरों पे रंग रोशन करना, लाइटिंग करना, ये सब चालू हो जाता है, नए नए कपड़े बच्चे लेते हैं, और मतलब उत्साह का जो उल्लास का माहौल रहता है वो दीपावली के होली के समय में हमारे यहाँ रहता है। सेम वैसा का वैसा ही माहौल मतदान से पूर्व रहता है। उम्मीदवार जो होते हैं वो तैयारी करते हैं, अपना संदेश पहुँचाते हैं, झंडिया बैनर वगैरह लगाए जाते हैं, हर तरफ माहौल जो है एक अलग तरीके का माहौल हो जाता है। इसमें अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रचार के दौरान लुभावने वादे भी करती है, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। और इस बार का अगर मैं बात करूं तो गुजरात में कभी भी तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा है, इतने चुनावों से मैं भी देख रहा हूँ। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि तीसरी पार्टी भी दस्तक दे रही है। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगा कि गुजरात की जनता क्या त्रिकोणीय संघर्ष को मंजूरी देगी, क्या तीसरी पार्टी का वजूद बनेगा, या ऐसा होगा कि जो दूसरी पार्टी थी इतने दिन से उसका वजूद समाप्त हो जाएगा, या दो ही पार्टी वापिस रहेगी, जैसे कि SMC चुनाव में ऐसे ही हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष था लेकिन दो ही पार्टी रही, तीसरी पार्टी यहाँ पे नहीं रही, इसके बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। ललित जी, ये गुजरात की जनता है, पिछले 35 सालों का हमारा अनुभव है, हम पार्टी मीडिया इंचार्ज भी रह चुके हैं और शक्ति केंद्र बूथ सभी संभाल चुके हैं और पिछले 25 से 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपने कहा 30 ही शक्ति, तो अभी उनको शक्ति कहना गुजरात में तीसरी पार्टी आई है, तो तीसरी पार्टी आई है, ऐसे तो पार्टियां छोटी मोटी हर चुनाव में रहती है, लेकिन जो टक्कर जो सामने विपक्ष है, आज भी सामने कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है इस गुजरात में और आगे मजबूत रहने वाली है। कांग्रेस पीछे की तुलना में इस बार थोड़ी कमजोरी उनको आएगी, उनका लाभ भी तीसरी पार्टी के से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जहाँ तक मेरा विचार है। कारण कि तीसरी पार्टियाँ ही यहाँ तरह तरह के प्रलोभन जनता को दे रहे, तो जनता जब तक उनकी जहाँ सरकारें चल रही है वहाँ सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वोटर बहुत मतलब आज का जो वोटर मतदाता है बहुत जागरूक हो चुका है, वो रोज़ नेशनल खबर क्या आ रही है, देश कितना मजबूत हो रहा है, देश की क्या स्थिति है, हर चीज़ पे संज्ञान लेकर वोटर वोट करता है। तो तीसरी पार्टी आई है गुजरात में, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है, वोट की दृष्टि से पहले लोग नोटों को वोट देते थे, आज नोटों की जगह वो तीसरी पार्टी का एक विकल्प हो गया है, उनको वोट दे देंगे, लेकिन पार्टियां दो ही रहेगी गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी आपस में टक्कर रहने वाली है। आपका मेरे को जहां तक लग रहा है कोई टक्कर में आप पार्टी नहीं है, वोट की दृष्टि से सब वोटर निर्दलीय को भी मिलता है, तो वो तो एक पार्टी है, दो जगह सरकार चल रही है, तो लोग उनके अगर काम से संतुष्ट होकर वोट तो काम से कार्य को देख कर करते हैं। मोदी जी ने जो विकास किया इस गुजरात में, जो उद्योगपतियों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, सभी संस्थाएँ सब एकजुट होकर जो ये मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और मोदी जी के प्रति सभी लोगों की जो अंदर से आत्मा जाग रही है उसको देखते हुए गुजरात में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से विजय करेगी, ये मेरा अनुभव है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार जो वोटिंग चल रही है, वोटिंग परसेंटेज कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है संतक ये बढ़े। इस चुनाव के अंदर पब्लिक जो है वो उदासीन है, मतदाता किस तरफ है इसका पता नहीं चल रहा है, ये बात निश्चित है कि यहाँ पर लहर हमेशा एक तरफा ही रही है, तो हो सकता है इस बार भी वही रहे, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सभी उम्मीदवारों के लिए चिंताजनक है। वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं बढ़ी तो उम्मीदवार जो है उनको चिंता करना लाजमी है, लेकिन शाम तक हो सकता है कि आप जैसे जो जागरूक व्यक्ति, जागरूक नागरिक है, वो सूरत के अंदर और क्या क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, और पीछे की तुलना में भी क्या क्या बदलाव सामाजिक दृष्टि से हुए हैं,
और क्या क्या अपेक्षाएं समाज की है, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ। कृपया इस बारे में आप प्रकाश डालिए। ललित जी देखो, समाज सेवा वो देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है। एक चुनाव का प्रतिनिधि जनता उसको चुनकर भेजती है, एक जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता एक अपनी मारवाड़ी में कहत है कि खुद के सराय पूत नहीं सरते। तो आप समाज में ऐसे कार्य करोगे तो पिछली पंक्ति व्यक्ति बैठा है उसका आप हमेशा ख्याल रखोगे, आगे की पंक्ति वाले को तो सब बुलाते हैं, चढ़ाते हैं, मर्पण कर रहे हैं। और हमने जो आप लेके आपने तो मैंने मेरी जिंदगी में निस्वार्थ भाव से सेवा की है। मैंने 25 साल से ये कि जो हमेशा तत्पर रहा हूँ, कोई भी आयोजन होता है उनको भावना से चीज़ की सूचना देता हूँ। कोई भी धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय में कोई बढ़िया तो उसमें हम घर से निकल कर जो हम समाज के जो भामाशाह हैं, जहाँ भामाशाहों की जरूरत पड़ती है उनके पास जाकर समाज आदि है, इस श्रेष्ठी से वंचित है, ऐसे लोगों का या कोई विधवा ऐसा है जिसका कोई ऐसी गोमाता में सेवा नहीं हो रही है, गोमाता को इच्छा है, तो ऐसे हमारे मित्र हैं आप जैसे बहुत जो हमारे को सूचना देते रहते हैं। और कोई पुण्यत्व का कार्य हमारे हाथों से हो और समाज जिसको लाभ मिल सके समाज को, ऐसे कार्यों में हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तत्पर रहे। राजनीति कोई भी सामाजिक अग्रणियों ना कोई बड़े राजनेताओं, मैंने कहा कि मेरे को टिकट दो मैं चुनाव लड़ूंगा। बगैर टिकट मिले भी आज समाज से मेरा इतना स्नेह और इतना प्रेम है, आप लोगों का, भाइयों का, छोटों का, बड़ों का, वो जब मेरे को मिलता है तो मैं अंदर से, जब अंदर से आत्मबल आदमी का मजबूत रहता है तो उसको कोई डिगा नहीं सकता। तो आप लोगों का सबका स्नेह और प्रेम से जो मेरे को इस 36 को जो आत्म सम्मान, मैंने आज तक किसी को न ऊंचा समझा न नीचा समझा, और मेरे व्यवहार से जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मैं जो बात कहता हूँ मुंह पे जरूर कहता हूँ लेकिन उसके पीछे भी कोई वजन रहता है। तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया, न करूँगा, चाहे तब बनूँ या नहीं बनूँ आपका भाई जरूर बन के रहूँगा। राजनीतिक से सामाजिक संस्थाओं को अपेक्षाएं क्या क्या है, अभी जैसे चुनाव के बाद में हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको राजनीति वाले जो नेता है या कोई भी व्यक्ति है जो प्रशासनिक व्यक्ति है, सरकार से हमारी सामाजिक रूप से क्या अपेक्षा है उसके बारे में आप देखो। सरकार से सामाजिक रूप से किसी संस्थाओं को सरकार की इतनी ज़रूरत रहती है कि सरकार कोई भूमिका वहाँ उनको लिए देवे तो वो सामाजिक स्तर पे वहाँ बिल्डिंग करके कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई स्कूल बना दिया, या कोई गौशाला सरकार ने निमित की कि ऐसे क्या गौशाला के लिए तो दानवीर भामाशाह द्वारा गौशाला की सेवा की जाती है, इधर उधर गाय माता घूम रही है। आज जो ये अभी गाय माता पे जो लंपी वायरस का जो खतरा हुआ पूरे भारत में, गोवंश की जो इतनी दुर्दशा हुई वो हमारे जैसे गो भक्तों से देखी नहीं गई, पूरे समाज के लोगों से नहीं देखी गई। जो पशुपालक जिन पे आधारित था, जिनके परिवार में तीन तीन चार चार गायें थी और वो गायें ख़त्म हो जाना उनकी सबसे इंडस्ट्रीज वो थी, फिर उनको पालन पोषण करके दोबारा लाना, चार साल बाद में वापस उनकी फसलें तैयार करना, कब गाय तैयार होगी, कब वो ब्याएगी, कब दूध देगी। तो जो उन पर आधारित व्यक्तित्व थे उनकी बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मेरी कहानी में व्यतीत नहीं कर सकता। उनको देखकर बहुत ही अंदर अंदर दुख प्रकट हुआ और गोमाता की सेवा में पूरे देश के साधु संत सभी जनता से आह्वान किया कि गोमाता की सेवा से लिए आगे बढ़ो, सर आगे बढ़े। और समाज को तो देखो, नेताओं से समाज नेता गण जो उनको मान सम्मान दिया है, उनको वोट देकर प्रदेश में केंद्र में भेजा है। तो समाज जब तक संगठित है तब की ही हम नेतागण जो भी है सब संगठित है। समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि हो, एक सामाजिक प्राणी है वो एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, जनता प्रतिनिधित्व चुनती है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होती है, मत से सर्वसम्मति से होता है, तो जनता जिसको चुनकर जनता उनसे ही कहती कि हमारे एरिया में हम सभी का प्रेम भाव बना रहे। कोई है सामाजिक तत्व है जो समाज को बार बार परेशानी करे उस पर वो इतना ही चाहिए कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। और सार्वजनिक सोसाइटियों में सरकार से नेताओं से इतनी मांग करते हैं कि भाई कोई स्ट्रीट लाइट जिस सोसाइटी में नहीं है उसमें वो लाइट की व्यवस्था हो,
पानी की व्यवस्था हो। आज मोदी जी के शासन में, आज हमारे पर्वतीय विस्तार में हम रह रहे हैं, वहाँ कोई भी सोसाइटी ऐसी वंचित नहीं है कि जिसका कार्य नहीं हो। स्ट्रीट लाइट हो, रोड का काम हो, और ड्रेनेज लाइन का काम हो, शिक्षा की दृष्टि कोई काम हो, सब कार्य हमारे क्षेत्र में ले भी आ रही है। और जो मध्य परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे हमारे एरिया में सुमन स्कूल बहुत सारी खुल रही है, आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, कोई सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन कर रही है, कोई उन केंद्रों में 20 तरह की 25 तरह की सरकार की योजना रहती है। तो धीरे धीरे समाज आगे विकसित हो रहा है और समाज का हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जागृत है और सुधर हो रहा है, ये मेरा आपसे निवेदन है। सामाजिक संस्थाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों विषय के ऊपर ही बहुत अच्छा कार्य किया है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रवासी समाज के द्वारा यहाँ पर कई विद्यालय संचालित है, यहाँ के जो स्थानीय गुजराती समाज है उनके द्वारा भी कई विद्यालय तथा महाविद्यालय संचालित है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कई हॉस्पिटल जो है वो संचालित है, जिसमें बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी है जो कि रियायती दरों के ऊपर इलाज करती है। रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी रोजगार भी उपलब्ध करवाने के अंदर सामाजिक संस्थाएं कई ऐसी है जो रोजगार भी अलग अलग तरीके से उपलब्ध करवाती है। मतलब सामाजिक संस्थाएं जो है वो इतना ज़्यादा कार्य कर रही है कि सरकार से भी ज़्यादा अगर हम समझे अगर तो वो कार्य करती है। तो ऐसी संस्थाओं को सरकार भी अनुदान देवे अगर तो अच्छी बात है। जैसे कि अभी अभी अग्रवाल समाज को भूमि आवंटित की है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला है, उस प्रकार से क्या जो प्रवासी राजस्थानी समाज है वो भी सरकार से ऐसी कोई आगामी जो सरकार होगी उससे कोई हमारी ऐसी अपेक्षा है क्या कि हम उनसे उस बारे में अजवात कर रहे हो या हम उनसे उस बारे में आग्रह कर रहे हो? आप अग्रवाल समाज की बात कर रहे हो लीजिए, अग्रवाल समाज सूरत के अग्रवाल समाज मैसूरी समाज एक अग्रणी संस्था है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों का निर्माण कराया है, कॉलेजों का निर्माण कराया है, अभी हॉस्पिटल की जो उनको अनुदान गवर्नमेंट ने दिया है तो बहुत ही अच्छा, वहाँ करीब 500-700 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से होगा, तो वो जनता की काम आने वाला है। और सामाजिक धार्मिक संस्था आप सरकार से, तो सरकार से जो भी मांग हम लोग करेंगे तब समाज हमारा संगठित होगा। तो हम एक राजस्थान भवन की इस सूरत और गुजरात की धरा पर हम सभी मिलकर मांग करेंगे, जिससे पूरा अपने एक राजस्थानी समाज का एक भवन हो। सभी भाइयों की एक दिल की हार्दिक इच्छा है कि उसके लिए हम सरकार से कोई जगह भी मांगेंगे, उसमें राजस्थान सरकार से भी हम कहेंगे और गुजरात सरकार से हम उसका निवेदन करेंगे कि एक राजस्थानी भवन होना बहुत जरूरी है प्रवासियों में। हालांकि हमारे समाज के भावसाओं ने बहुत अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया सूरत की धरा पर, माता पेट पर, ऐसे ही आप आगे कार्य कराते रहो। लेकिन एक जो हमारे अग्रणी मानव है, जो उद्योगपति है, जो विभिन्न इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए हैं, उनका सभी का हमारे को सहयोग पूरा प्राप्त होगा। उनकी भी एक हार्दिक इच्छा है, हमारे छोटे से जिला वापी में, सिलवासा वापी में राजस्थानी भवन है, आज वहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो बोलते हैं भाई राजस्थान भवन में ये कार्यक्रम है। तो ऐसे ही हमारे राजस्थान युवा संघ छायडो के तहत मेडिसिन में भी काम कर रहा है और पूरा समाज भी हमारा संगठित है। हर समाज से अग्रणी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर परिवार से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सूरत शहर में कोरोना जैसी आपदा में न हमको सरकार को कहना पड़ा, न कोई यहाँ के प्रशासन को कहना पड़ा, प्रशासन ने विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से आकर विचार विमर्श किया, हमारे को 2,000 पैकेट की यहाँ जरूरत है, 5,000 पैकेट की यहाँ जरूरत है, जिस लक्ष्मीनाथ सेवा समिति, स्वयं सेवा ट्रस्ट, पर्वत पाटिया में विभिन्न सोसाइटियों में 200-200, 500-500 पैकेट करा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी बागडोर संभाली। तो देश के ऊपर कोई ऐसी आती है उस टाइम पे सरकार से अपन इतना ही उम्मीद रख सकते हैं कि सरकार हमारे साथ में खड़ी रहकर जो हम कार्य कर रहे हैं उनको सुनियोजित प्रकार से उनका वितरण हो जावे और सही जरूरतमंद व्यक्ति तक वो कार्य, वो चीज़ का मतलब पहुँचे। इतना ही रहता है सामाजिक
और धार्मिक था कि तो मैं मेरे विचारों से मैं इतना बहुत कुछ बोल सकता हूँ। जो मैंने कहा है कि समाज ही सबसे बड़ा होता है, समाज को साथ में लेके चलोगे तो ही आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, तो ही आप समाज के हीरो कहलाने लायक रहोगे। बाकी समाज को नकारा है, समाज के साथ जो निम्न बात करते हैं, समाज में विघटन करते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, ऐसा व्यक्तित्व कोई आगे नहीं पूछता। समाज सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। समाज सर्वोपरि है, हमेशा रहेगा, क्योंकि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है। हम समाज से है, समाज हमारे से नहीं होता है। हम समाज के बिना अपना अस्तित्व मान भी नहीं सकते हैं और वो संभव भी नहीं है। समाज के बिना हम बिल्कुल भी एक पल भी गुजार नहीं सकते हैं। उसके अब बिना अगर रहना और जंगल में रहना मतलब बराबर है। समाज के कारण हम महफूज रहते हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि वो हमेशा समुदाय पर करती है। हम भाषा, जाति, प्रांत आदि भेद से परे हट करके संपूर्ण मानव समाज की हम बात करते हैं। और हमने जो भी यहाँ पे है, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने कोई भी बिना भेद, जैसे कोरोना काल अगर देखे तो उन्हें बिना भेद के हर व्यक्ति के तक जो उसकी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हमने उसको राशन है या खाना पहुंचाया था। बिना भेद के लोगों को ट्रेन में उठा करके उनके गंतव्य तक पहुंचाया था। बिना किसी भेद के इलाज किया गया था। मतलब कि हर दृष्टि से समाज जो है वो भेदभाव रहित होकर के मानव सेवा करता आया है। और यही चीज हम चुनाव के मद्देनजर भी देखते हैं। जब चुनाव होता है तो हम यही कहते हैं कि जाति, धर्म, भाषा, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, ये सब भूल करके राष्ट्रहित के अंदर जो अच्छा हो, जो योग्य हो, उस उम्मीदवार को आप वोट करें। यही सामाजिक व्यक्ति भी कहते हैं और यही धार्मिक व्यक्ति भी कहते हैं। यही चीज जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो भी कहते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम आपकी छवि भी यहाँ पर देखते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक होते हुए हम आपको वो चीज़ मानते हुए कि राजनीतिक विश्लेषण आप बहुत बढ़िया करते हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर लगभग पूरे सूरत के अंदर कोई भी ऐसा असामाजिक व्यक्ति नहीं है जो कि चुनाव लड़ रहा है। मतलब कि जिसको जो योग्य लगेगा उसको वो वोट वहाँ पे दे, लेकिन वोट अवश्य देवे। आखिर में मैं आपसे मतदाताओं के लिए, जो अभी भी घरों पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, छुट्टी समझ करके वो छुट्टी का माहौल जैसा उन्होंने क्रिएट कर रखा है, उनके लिए आपके जरिए आप उनको संदेश, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी आज के दिन को छुट्टी का दिन समझ लिए है, आराम का दिन समझ लिए है, उन मतदाताओं के लिए आप संदेश? राम राम। सभी मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान आप करोगे, ये हमारा लोक पर्व का त्यौहार है। आप मतदान करने के लिए घर से उतर कर आप सभी अपने जो भी शक्ति केंद्र है, जहाँ भी आपकी बूथ है, वहाँ जो भी आपका उम्मीदवार है, उनको जाकर अपने मतदान का उपयोग कीजिएगा। मतदान दिवस आज है, ये छुट्टी का दिवस नहीं मानते हुए इसको छुट्टी का माहौल नहीं बनाए। आप सभी जाकर खुद सभी शिक्षित हो और राष्ट्र को, अपने देश को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का उपयोग सभी को करना चाहिए। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि जल्द से जल्दी जाकर अपना मतदान कीजिए। सभी घरों से बाहर आकर अपने जो भी अपने उम्मीदवार हैं उनको जाकर वोट जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये थे श्री सज्जन जी महर्षि, जो राजनीतिक तथा सामाजिक अग्रणी है। आपके द्वारा मतदान करने की अपील की गई है। लाइन को देखे बिना, कि लंबी लाइन है, इसको देखे बिना उसको नज़रअंदाज करते हुए आप जाइए। वो लाइन आपके भविष्य की लाइन को लंबा करने वाली है। जितनी लंबी लाइन मतदान मथक रहेगी उतना ही अच्छा भविष्य आपका होगा। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के उन्नत भविष्य के लिए, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आप मतदान अवश्य करें। फिर दूसरे गेस्ट के साथ हम वापिस आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सज्जन। धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी।